5G, 5G, 5G हर तरफ से 5G की ही बातें चल रही हैं। कुछ लोग यहाँ पे एयरटेल 5G की साइड पे है तो कुछ लोगों को यहाँ पर जियो 5G पसंद है। लेकिन 5G के जितने फायदे हैं उतने नुकसान भी है, तो चलिए देखते हैं कि 5G को यूज़ करने में आखिर क्या दिक्कत है भाई। सबसे पहले तो 5G नेटवर्क को यूज़ करने के लिए आपको एक 5G डिवाइस चाहिए होगा, यानी कि फिलहाल आपके पास जो यहाँ पे 4G स्मार्टफोन है उसमें तो 5G चलेगा नहीं। तो सबसे पहले तो खर्चा बढ़ा, आपको एक अच्छा यहाँ पे डिवाइस लेना होगा, या तो आपको एक स्मार्टफोन लेना होगा 5G वाला, या फिर अगर अपने 4G स्मार्टफोन में ही 5G यूज़ करना चाहते हो तो आपको एक 5G हॉटस्पॉट परचेज करना होगा। बट फिलहाल तो मार्केट में कोई भी हॉटस्पॉट डिवाइस 5G वाला अवेलेबल है नहीं, तो आपके पास यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचता है अच्छा स्मार्टफोन लेने का। बट फिलहाल में जितने भी सारे यहाँ पे मार्केट में स्मार्टफोन्स आ रहे हैं उनमें आपको कुछ ना कुछ कमी देखने को मिल रही है, बिकॉज उसमें यहाँ पे कॉस्ट कटिंग किया जा रहा है। जैसे कि आपको कैमरा उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं मिल रहा है, या फिर जो बैटरी है वो काफ़ी कम mAh की दी जा रही है, तो ये कुछ आपको कॉस्ट कटिंग देखने को मिलेगा स्मार्टफोन में। बट अगर आप एक अच्छा स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो कम से कम आपको 30,000 से ऊपर आपको पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करना होगा, तभी जाकर आप एक अच्छा स्मार्टफोन ले पाओगे। अब इसी से याद आया कि 5G नेटवर्क में आपका जो स्मार्टफोन है उसकी बैटरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है, तो जैसे जैसे यहाँ पे नेटवर्क में जनरेशन इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे यहाँ पे जो बैटरी की कंजम्पशन है वो भी यहाँ पे ज़्यादा हो रही है। 2G में कम होती थी, 3G में उससे ज़्यादा, 4G में उससे भी ज़्यादा, और 5G में उससे भी ज़्यादा यहाँ पे जो बैटरी कंजम्पशन होता है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसी कारण से स्मार्टफोन जो मैन्युफैक्चरर्स है वो बैटरी की जो कैपेसिटी होती है चार्जिंग की उसको बढ़ा रहे हैं, जैसे कि 33 वॉट, 67 वॉट, 100 वॉट तक के यहाँ पे चार्जेस प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज यहाँ पे बैटरी को तो बढ़ा नहीं सकते, बिकॉज अगर बैटरी को बढ़ाने जाएंगे तो यहाँ पे जो स्मार्टफोन का डिज़ाइन है वो थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, बिकॉज उसके लिए आपको बैटरी जो है वो ज्यादा मोटी देनी पड़ेगी, तो स्मार्टफोन का जो डिजाइन है वो मोटा हो जाएगा, या फिर आपको लंबा करना पड़ेगा तो उसमें मतलब डिजाइन थोड़ा सा खराब दिखेगा। इसी कारण से जो है बैटरी की जो कैपेसिटी होती है चार्जिंग की उसी को यहाँ पे बढ़ाया जा रहा है। अभी फास्ट चार्जिंग के अपने अलग ही नुकसान है, इससे क्या होता है कि बैटरी में जो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, तो ओवरऑल जो बैटरी की यहाँ पे लाइफ होती है, बैटरी लाइफ साइकिल, उसमें फ़र्क पड़ता है, तो आपको जो ओवरऑल बैटरी का जो यहाँ पे लाइफ है वो कम देखने को मिलता है, यानी कि पहले के मुकाबले आपकी जो बैटरी होती है वो थोड़ा जल्दी आपको बोल सकते हो ख़राब हो सकती है। तो गाइज यहाँ पे बहुत सारे लोगों के पास ऑलरेडी यहाँ पे स्मार्टफोन्स हैं 5G वाले, बट उनमें यहाँ पे 5G वर्क नहीं कर रहा है। इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले तो जो स्मार्टफोन कंपनीज थे वो पहले 5G स्मार्टफोन रिलीज किए थे, उसमें क्या ना कि बहुत सारे ऐसे बैंड्स जो फिलहाल हमारे ऑपरेटर्स जिस पे वर्क कर रहे हैं नेटवर्क ऑपरेटर्स, वो बैंड्स उसमें नहीं है, इसी कारण से भी नहीं चल रहे। और दूसरे भी कारण है, जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे जियो और एयरटेल में डिफरेंस क्या है कि जियो जो है वो SA नेटवर्क पे काम करती है, यानी कि स्टैंड अलोन नेटवर्क पे काम करती है, और जो एयरटेल है वो NSA नेटवर्क यानी कि नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क में काम करती है। इसी कारण से बहुत सारे स्मार्टफोन जो थे वो पहले बने थे उसमें NSA ही नेटवर्क दिया गया है, SA नेटवर्क नहीं दिया गया है। इसी कारण से एयरटेल की 5G सिम तो आपको उसमें वर्क कर जाएगी, बट बहुत सारे ऐसे फोन है जिसमें जियो की 5G वर्क नहीं करती है। वैसे आपके फ़ोन में जियो 5G या फिर एयरटेल 5G का सिम सपोर्ट करता है कि नहीं, काम करता है कि नहीं, मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। तो YouTube पर आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जहाँ पे बहुत सारे लोग जो वो टावर के सामने जाके 5G का स्पीड टेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो जियो का नेटवर्क हो या फिर एयरटेल का नेटवर्क हो, क्योंकि ये जो 5G नेटवर्क है अगर इसकी रेडियो वेव्स की इंटेंसिटी को ज्यादा बढ़ाए तो इससे रेडिएशन का खतरा हो सकता है, जिससे कि हेल्थ प्रॉब्लम्स हम लोगों को हो सकते हैं। इसी कारण से 5G नेटवर्क के रेडियो वेव्स की इंटेंसिटी को कम रखकर यहाँ पे जो टावर्स है उनको ज्यादा लगाया जाएगा, जिसके कारण से यहाँ पे आपको नेटवर्क तो बढ़िया मिलेगा, यानी कि स्पीड एंड स्टेबिलिटी तो बढ़िया मिलेगी, बट इससे जो कंपनी का खर्चा है वो ज्यादा बढ़ जाएगा, जो कि वो लोग रिकवर तो कर ही लेंगे 5G के प्लान्स के प्राइसेस को बढ़ाकर। अभी जो 4G है उसी के प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि अब 5G के बारे में क्या ही बोल सकते हैं। सो गाइज अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज 5G में जितने भी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती थी वो मैंने आपको बता दिया, बट स्टिल अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ और भी प्रॉब्लम्स हो सकती है तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जोर से बताइएगा। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इन दोनों वीडियोज को भी चेकआउट कर लेना, ये भी आपको काफी पसंद आएगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जोर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मतलब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।